सपा नेता ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी। जनता की चिट्ठी को पीएम मोदी को किया प्रेषित। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने चिट्ठी के जरिए कसा तंज। मोदी सरकार के जुमलों को सरकार पर किया फिट। सुनील सिंह ने हर सरकारी दावे पर किया चुटीला वार। चिट्ठी सोशल मीडिया पर बटोर रही है सुर्खियां। कोरोना से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार की संवेदनहीनता पर विपक्षी दलों के नेताओं का गुस्सा फूट रहा है और विपक्षी दलों के नेता अब सरकार पर उसी के जुमलों के सहारे निशाना साध रहे हैं और जमकर तंज कस रहे हैं। समाजवादी पार्टी के MLC सुनील सिंह साजन ने मामले पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को जनता की चिट्ठी प्रेषित की है और जिस तरह से सुनील सिंह साजन ने सरकार को लिखी चिट्ठी में एक एक मुद्दे पर निशाना साधा है, उससे BJP नेता भी तिलमिलाए घूम रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं उस चिट्ठी पर जो सपा नेता ने पीएम मोदी के लिए लिखी है। आदरणीय मोदी जी, देश की जनता को माफ कर दीजिए, वो आपकी आत्मनिर्भर स्कीम को समझ ही नहीं पाई। कोरोना की पहली लहर में आपने जनता को VP मशीन, मास्क, सैनिटाइजर, PPE किट और प्लस ऑक्सीमीटर में आत्मनिर्भर बनाया। अब दूसरी लहर में आप ब्लैक में मिल रहे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कन्वर्टर और दवाओं में भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। 10 गुने दाम भी इन्हें जुगाड़ने वाली जनता इस बार कैसे तैसे काम चला रही है, लेकिन अगली बार के लिए वो अभी से तैयार है। उसे एहसास है कि वेंटिलेटर मशीन भी खरीद के पूर्ण आत्मनिर्भर मरीज बनना है और घर में ही इलाज करना है, ताकि कोरोना के नाम पर ये करोड़ों रुपए लूटने वाले अस्पताल देश की गरीब जनता को लूट ना पाए। मोदी जी, आप कितने महान हैं, आपको और आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार राज्य की सरकारों को अपने नागरिकों की कितनी चिंता है। जनता के साथ मीडिया कर्मियों और पत्रकारों को भी समझ आने लगा है, अगर देश की मजबूर जनता कोरोना, बेरोजगारी, महंगाई के दूसरे झटके से बच गई तो तीसरे टर्म के लिए आपको और आपकी पार्टी को सपने में भी वोट नहीं देगी। ताकि आपको याद रहे कि जब देश में संकट और चुनाव एक साथ हों तो आप और आपकी सरकारों का ध्यान एन-केन प्रकारेण चुनाव जीतने, सत्ता हासिल करने और सरकार बचाने के बजाय जनता की जान बचाने पर हो। हर हर मोदी, घर घर मोदी, देश का वोटर। प्रेषक सुनील सिंह साजन, विधायक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के MLC सुनील सिंह साजन की ये चिट्ठी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और BJP पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। वहीं बात की जाए BJP नेताओं की तो BJP नेता इस मामले में भी जमकर कुतर्क कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सपा नेताओं का कहना है कि अस्पताल के बाहर फैली अव्यवस्थाओं की तस्वीरें देखिए और उसके बाद अपने चेहरे को और अपने मैनिफेस्टो को देखिए, अगर उसके बाद भी शर्म ना आए तो तर्क देना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।